डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा कॉलेज कमालपुर छोटमलपुर में संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीएलएलबी व एलएलबी स्टूडेंट के लिए ज्यूरिसप्रूडेंस के अंतर्गत नेचुरल लॉ अर्थात प्राकृतिक विधि का अर्थ स्पष्ट करने जा रहा हूँ। प्राकृतिक विधि का अर्थ मैंने इससे पहली वीडियो में निश्चित रूप से बताया और प्राकृतिक विधि को यूनान में किस प्रकार से लागू किया गया, किस प्रकार से उन्होंने विधि को अपने देश में लागू किया, आज उसी पर दूसरा टॉपिक लेते हुए प्राचीन सिद्धांत को अर्थात जो प्राचीन सिद्धांत है प्राकृतिक विधि के चार सिद्धांत माने गए, प्राचीन सिद्धांत, मध्यकालीन सिद्धांत, पुनर्जागरण काल के सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत। प्राचीन कालीन सिद्धांत में मैंने यूनान में किस प्रकार से प्राकृतिक विधि को माना पर अपने विचार व्यक्त किए, आज मैं इसी क्रम में आगे रोम पर अर्थात रोम ने इस विधि को प्राकृतिक विधि को किस प्रकार से अपनाया पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। जरा ध्यान से सुनिए, रोम स्टोया, रोम ने स्टोया को ने अरस्तु के सिद्धांत को आधार बनाया परंतु उसे एक नीति शास्त्रीय सिद्धांत के या एक नीति शास्त्रीय सिद्धांत ने रूपांतरित कर दिया। उनके अनुसार संपूर्ण विश्व युक्ति से शासित होता है, संपूर्ण विश्व युक्ति से शासित होता है, मनुष्य की युक्ति विश्व जनित युक्ति का एक भाग है। फिर आगे भी कहते हैं मनुष्य की युक्ति आधार है, मनुष्य की युक्ति ही आधार है, प्राकृतिक विधि में मनुष्य की युक्ति आधार है। इस पर क्या विचार दिए, मनुष्य जब वह युक्ति के अनुसार रहता है तो वह प्रकृति के अनुसार या प्राकृतिक रूप में रहता है, यह मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने को प्रकृति विधि के अधीन रखे। प्रकृति विधियां विश्व जनित रूप में लागू होती हैं और सारे मनुष्य पर आबद्ध कर होती हैं। विद्यात्मक विधि प्राकृतिक विधि के अनुरूप होनी चाहिए। इस सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ा, स्टोकों के सिद्धांत का रिपब्लिक काल में विधि शास्त्रियों पर भारी प्रभाव पड़ा और उसमें से कुछ ने प्राकृतिक विधि को अपनाया। तथापि रोपण प्रणाली में प्राकृतिक विधि का सिद्धांत केवल सैद्धांतिक विवेचनों तक ही सीमित नहीं रहा। रोमन लोग बहुत ही व्यवहारिक लोग थे, उन्होंने प्राकृतिक विधि का उपयोग अपनी संकुचित और कठोर प्रणाली को एक सर्वदेशीय प्रणाली में बदलने के लिए किया। इस प्रकार प्राकृतिक विधि ने रोमन विधि पर एक बहुत ही रचनात्मक प्रभाव डाला। प्राचीन रोमन विधि शास्त्रियों ने विधि के तीन विभाग किए, सिविल लॉ जिसे लैटिन में जे सिविल बोला जाता है, राष्ट्रों की विधि जिसे जेस जेंटिन बोला जाता है और प्राकृतिक विधि जिसे जेस नेचुरल बोला जाता है। प्राकृतिक विधि ने रोम में विधिक विकास किया। इस प्राकृतिक विधि ने रोम में एक विकास किया, अर्थात कौन सा विकास, विधिक विकास किया। वो किस रूप में, रोमन सिविल विधि या जस सिविले, लेकिन भाषा में जस सिविले केवल रोमन नागरिकों के लिए थी, परंतु प्राकृतिक विधि के सिद्धांत के आधार पर रोमन मजिस्ट्रेटों ने उन नियमों को जो विदेशी विधियों में सामान्य थे विदेशी नागरिकों पर भी लागू किया। वह विधि जो इस प्रकार अस्तित्व में आई
जस्टिफिकेशन अर्थात राष्ट्रों की विधि कहलाई और यह रोमन विधि का एक अंग हो गई। इसने सद्भाव और विश्व जनीन विधिक सिद्धांतों को ग्रहण किया और इसलिए यह प्राकृतिक विधि के अनुरूप थी। बाद में सिविल लॉ जस सिविल और राष्ट्रों की विधि जस जेंटियम उस समय तक या उस समय एक हो गई जब रोमन नागरिकता कुछ वर्ग के लोगों को छोड़कर सभी को प्रदान कर दी गई। तथापि अभी भी प्राकृतिक विधि की एक ऐसी संकल्पना अस्तित्व में थी जिसके अनुरूप विधि का नया रूपांतरण नहीं हुआ था, क्योंकि दास अब भी नवीन विधि के फायदों से वंचित थे। रोमन विधि विद्यात्मक विधि और प्राकृतिक विधि के बीच विरोध की समस्या के झंझट से दूर रहे। यद्यपि कुछ ऐसे विधि शास्त्री भी थे जो प्राकृतिक विधि को विद्यात्मक विधि से श्रेष्ठ मानते थे और उनका यह सुझाव था कि दोनों के बीच विरोध की स्थिति में विद्यात्मक विधि की अवहेलना की जा सकती है, किंतु बहुसंख्यक विधि शास्त्री इस पटरे में नहीं पड़े। इस प्रकार से कहा जा सकता है प्राकृतिक विधि ने रोम में अपने विधिक विकास को किया और इस प्रकार से जो स्टोइकों ने अपने विचार दिए उनमें मनुष्य की युक्ति आधार मानी और इस सिद्धांत का रोमवासियों का अर्थात प्राकृतिक सिद्धांत का या प्राचीन सिद्धांत में जो प्राकृतिक विधि का सिद्धांत है वह बहुत ही ज्यादा प्रभावी हुआ। इस प्रकार से आज का मेरा टॉपिक रोमन ने अर्थात रोमवासियों के लिए किस प्रकार से प्राकृतिक विधि लागू की गई और उसका उनके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा पर अपना विचार व्यक्त किया। मेरा लेक्चर आज इसी टॉपिक पर समाप्त होता है। कल मैं इस प्राचीन विधि को भारत में किस प्रकार से अपनाया इस पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।